लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सुधार देंगे, दो मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखें। बीजेपी सरकार की गुंडागर्दी देख लो भाई, जो गुंडागर्दी है इनकी बीजेपी की, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार। पूरे तरीके से हमारा प्रदर्शन चल रहा था और प्रशासन ने जो आ रहे थे केशव प्रसाद मौर्य जी उनका रूट भी बदल दिया था, तो हम लोग अपने हमारे किसान भाई सारे हम लोग अपने झंडे लेके वहाँ अपने काले झंडे लेके खड़े थे कि हमें काले झंडे दिखाने, विरोध प्रदर्शन हमारा वही होता है कि हमें बस काले झंडे दिखाने, हमारा विरोध हो गया। लेकिन हमारा ये शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, वहाँ अजय मिश्रा टेनी जी का लड़का आता है अपने गुंडों के साथ लेके और किसानों पे उसने निर्दलीय आदमी ने गाड़ी चढ़ा दी, इतनी उसको पावर दे दी इस सरकार ने कि उसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, इतनी उसकी हिम्मत हो गई। उसमें हमारे किसान, तीन किसान हमारे शहीद हो गए हैं भैया, और हमारे पांच छह, एक हमारे तेजेंद्र सिंह विर्क जी लीडर हमारे, वो गंभीर रूप से घायल हैं, चार किसान हमारे और घायल हैं। इतनी जो है बर्बरता करी है, और इस सरकार में जो सरकार कहती थी कि हम गरीबों और मजलूमों के लिए एक साथ सबके साथ खड़े होंगे, उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने, इतना बड़ा गुरूर इनको अजय मिश्रा टेनी जी को पहले कुछ दिनों पहले इन्होंने जो है ऐसी बयानबाजी कर दी थी, उसी का विरोध करने के लिए किसान आया था। पर अब पूरे राकेश टिकैत जी निकल चुके हैं यहाँ से, पूरी टीम निकल चुकी है वहां से, अब इनको पता चल जाएगा कि कैसे किसानों से पंगा लिया जाता है। आज हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन पूरे देशवासियों से अपील है कि भाई ऐसे गुंडों के खिलाफ खड़े हो जाओ, आप सब अन्न खाते हो, ऐसे गुंडों के खिलाफ खड़े हो जाओ, पूरे देशवासियों से।